चल लिखो पहला क्वेश्चन, परसेंटेज कर रहे हैं ना, तो पढ़ना परसेंटेज को अच्छे। देखो अभी मैं अभी सुन रहा था, अभी जो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन नहीं बनना इन पे, तो आप अभी एसआई के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो? एसआई के लिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एसआई से ऊपर है। आप ऐसा मत सोचे कि हमारे क्वेश्चन नहीं बनना है, एक दो नहीं बनना है। सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते नहीं होते, तो सीजीएल निकालना है क्या आपको? आपको क्या निकालनी है? एसआई और कॉन्स्टेबल। तो उस लेवल का पढ़ें। आप ये ना सोचे पूरे मारती बन जाए, पूरे क्वेश्चन कर लें, ठीक है, कि आप राकेश यादव की बुक ले लें और 500 क्वेश्चन आप ही मार दें, तो ऐसा ना सोचे। 500 क्वेश्चन नहीं मार पाएंगे आप, क्योंकि टाइम वैसे ही कम है आपका, वैसे ही बेसिक कमजोर है। तो आप वो पढ़ें जो एसआई में आना है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एसआई में आएगा, क्योंकि मैं एग्जाम क्वालिफाई हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो आप जाने उस चीज़ को, मैं भी नंबर लेके आऊँ पिछले साल अच्छे खासे, तो आप उस चीज़ को। मैथ का वेंटेज जो रहता है 25 नंबर का होता है, ऐसा ही मैथ का नहीं होता, समझ। अच्छे पढ़ें मैथ्स के लिए। चल परसेंटेज समझे थोड़ा सा। लिखो, यदि ए का 90%, यदि ए का 90% बराबर है ए का 30%, यदि ए का 90% बराबर है ए का 30% और बी बराबर ए का 2x%, बी बराबर ए का 2x% और बी बराबर ए का 2x% है, तो x का मान ज्ञात करें। b बराबर a का 2x% है, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। इफ 90% ऑफ a इक्वल 30% ऑफ b एंड b बराबर 2x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सर डॉलर 1% दिएगा 90% होगा। हाँ, a का 90% बराबर है b का 30%। हाँ, b का 30%, a का 90% बराबर है b का 30%, तो b बराबर है a का 2x%, तो x की वैल्यू याद करें। a का 90% बराबर है b का 30%, तो b बराबर a का x% है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। 150 कितना हो गया आपका? 150 हो गया, ठीक है। और बताओ कोई। चल देखो, ए का 90%, तो ऑफ मतलब क्या होता है, गोला, ठीक है। ए का 90%, तो 90% बराबर है बी के 30% से, यही है क्वेश्चन में, ये है कि नहीं, ठीक है। जब भी कभी मैंने बताया बराबर हो, तो क्या कर दोगे आप, कैंसिल आउट कर दोगे परसेंट से परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट करोगे, और 0 30 या 90 30 से कम 30 और 30 दिया कितना 90, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक। जैसे मैं लिख देता हूँ 3a बराबर b1, यही है कि नहीं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, तो ए अनुपात बी क्या जाएगा, 1:3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है बी बराबर ए का एक्स परसेंट, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 बराबर ए बराबर 1 का एक्स परसेंट मतलब 100, 2x% सॉरी, यहाँ पर 2x% ना, 2x%, तो ए बराबर 1 का 2x%, तो x की वैल्यू आपको पता नहीं है और परसेंट हो गया ये, ठीक है। तो आप कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 150 क्या हो जाएगी आपकी, 150 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसआई में पिछली बार का, ठीक है। आप उठा के देना 2017 पेपर, आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2x कर देगा या 4x कर देगा, ये क्वेश्चन आपको मिला, या आपसे पूछ सकता है सर ए बी का रेशियो क्या आएगा, तो आप तुरंत आंसर देंगे कितना आएगा 1:3 के लिए, क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, यदि ए का 120% यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए बी माइनस ए कितना होगा,
तो b प्लस ए बी माइनस ई कितना हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? रेशो नहीं पूछा उसने, पाँच ऑप्शन है 5, 6, 7, 8 ठीक, सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन है? ठीक है, यदि बी का 120% ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बताना है। तो कह रहा है कि ए का 120%, तो ए का 120% बराबर है किसके? बी के 80%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 चौके कितने कटा, 40 दुनिया 80 और 40 दिया 120, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया बताओ? 2:3। अब पूछा है 2, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो बी प्लस ए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 1 का अंतर है तो 5/1 मतलब 5 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ रही बात? किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, बोले लिखो अगला क्वेश्चन। यदि a प्लस बी का 20% यदि a प्लस बी का 20% यदि a प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50% है, बराबर बी का 50% है, ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50%, तो 2a माइनस b 2a प्लस b कितना हो जाएगा? 2a माइनस b 2a प्लस b बराबर क्या होगा? एक बटे दो। और बताओ भाई, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है तो 2a माइनस b बराबर 2a प्लस b कितना हो जाएगा? ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4, 1 एक बटे दो, 1/2 है। ठीक, सबका आ गया? आ गया पीछे? सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे समझना, पहले तो आप सीधा हटा दी करो, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है? तो क्या बचा आपके पास? 2, तो 2a प्लस 2b बराबर है किसके? 5b के। तो आप कह दो सर 2a बराबर कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3:2, बस हो गया सॉल्व। तो 2a दिया है तो 2a माइनस 3 और 2a प्लस का 3, यही है कि नहीं? तो 2 की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी? 3, तो 2 × 3 माइनस 3 बटे 2 × 3 प्लस 3, तो 3 × 6 और 6 में गया कितना? 3 × 6 में 3 गया कितना बचेगा? 3। अच्छा, b की वैल्यू कितनी दी है? 2। सॉरी, b की वैल्यू कितनी दी है? 2। और यहाँ भी कितना जाएगा आपका? 2। ठीक, अब यहाँ पे बचेगा आपका 6, 6 में 2 का कितना जाएगा? 4 और 3 और 2 6 और 2 8, तो कितना जाएगा? 1/2 क्या जाएगा आपका आंसर? 1/2 क्लियर, सही बात। ठीक है, कल लोग ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अगला क्वेश्चन लिखे। सर ऐसे ही एक और ऐसे बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? लिखो अगला क्वेश्चन। यदि a प्लस बी का 40% यदि a प्लस बी का 40% बराबर यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, तो 2a-3b/a+b बराबर क्या होगा? 2a-3b/a+b क्या होगा? a प्लस बी का
चालीस परसेंट बराबर है ए माइनस बी का 60%। तो आपको ये बताना कितना था ना, 7/6। ऑप्शन में है 7/6 है, 7/6 है, 6/7 है, और 5/6 है, और 6/5 है, ठीक है। ए प्लस बी का 40% ए माइनस बी का 60% है, तो 2a-3 बराबर ए प्लस बी क्या होगा, 7/6 हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्या दिया है आपको, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 20 × 40 तो 20 × 60, तो इस 2 का कर देंगे इनटू इसमें 2a+2b बराबर कितना, 3a-3b, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3a में 2a गया तो बचेगा a मतलब 1a बच, मान लो आप इसको, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना 5b, तो a और b का जो रेशो आएगा वो कितना देगा, a का 5 और b का कितना, तो 5 रेशो बना गया किसका, a अनुपात b। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2a-3b, तो a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 5-3, b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और a और b कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 5 और 2 10 और 3 का कितना बचेगा 7, और नीचे क्या दिया आपको 6, ये आपका आंसर ऐसे मिल जाए तो ऐसे लगा देना, या आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाए एक सही 1/6 तो ये भी आंसर, ठीक है। आपको ऑप्शन डिपेंड करेंगे कौन सा आंसर है आपका, ये वाला भी आंसर हो सकता है और हो सकता है पॉइंट में आंसर दे दे, ठीक है। तो एक पॉइंट कुछ आपका क्या हो जाएगा आंसर। सही में आ रही बात, सही में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है पीछे। अगला क्वेश्चन लिखें, थ्री पॉइंट सिक्स किलोग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। कितना परसेंट बेटा, 2%, ठीक है। 32%, 22%, 2% और 12%। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, कितना आ गया, 2%, ठीक। चलो अब क्या दिया, 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट, कितना 72 है ना, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको शायद क्वेश्चन कराया ऐसे भी है ना, तो आप इसको क्या रखते हैं हमेशा ऊपर, ठीक, बताया था कितना परसेंट इसका ग्राम, ये ग्राम में, ये किसमें, किलोग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 3600 ग्राम हो जाएगा, इनटू कर देंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो 36 दूनी कितना हो गया 72, मतलब 2% क्या हो गया आपका आंसर। आगे नहीं आ गया, 2% है ये जो 72 ग्राम है वो 3.2 का कितना परसेंट है, और आप देखेंगे खुद दिमाग लगाएंगे तो 36 दूनी 72 होता है भाई, हमारे ना पेड़ उठाने जो नहीं है, 36 दूनी कितना होता है 72, अगर ये इसका डबल होता 200% नहीं होता, लेकिन पॉइंट लगा है तो 2 पॉइंट कर दोगे पीछे, 2% नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतने में तो मैं आंसर दे दोगे आप, सॉल्व कर रहे थे पूरे, नोट सुना रहा है, अरे नोट सही रखे जाएंगे, समझ रहे, प्रैक्टिस करो, मैथ्स के अभी नोट नहीं बनते, बस आप उतनी चीज़ लिख लें जो आपको नहीं आती, समझ रहे, कभी आप देखें वो अच्छी बात नोट्स बना रहा है, अच्छी बात है, नोट्स तो ऐसे हो ना, हिंदी के बनाओ, इंग्लिश के बनाओ, जीके का नोट्स बनाओ, तो वो अच्छे समझ में आता है, मैथ्स की प्रैक्टिस काम आती है सिर्फ ओनली, और रीजनिंग का नोट्स बनाओ कोई मतलब, रीजनिंग नोट्स है, नोट्स है इस बुक तो बनी है, नोट्स बुक रखो ना अपने पास, बुक आपकी नोट्स है। सबसे बेहतरीन क्या होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, आप कौन सी बुक लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपने कोई सी वो उठा ली
गया क्वेश्चन नहीं बनने, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप। क्या करेंगे आप? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट करने को आप, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बार बार हाई क्वेश्चन में ना जाएं, क्योंकि एसआई में बहुत लो लेवल का मैथ्स आता है, ज़्यादा लेवल लो भी नहीं, मीडियम। आप टेंथ ट्वेल्थ का जो मैथ आता है वो एसआई लेवल में आता है, लेकिन कॉन्स्टेबल में एसआई से अच्छा मैथ आता है, ठीक है। कॉन्स्टेबल जो मैथ आएगा वो आपके दिमाग खोल देगा, ठीक है, अच्छा मैथ्स आएगा। पेपर उठा के देना 2017-16 का, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो उस पर थोड़ी देर फोकस करें, एसआई की मैथ पर थोड़ा कम फोकस करें, क्योंकि आप कॉन्स्टेबल मैथ की तैयारी कर लोगे एसआई में निकल जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार पेपर नहीं देखे 2013-14 वाला, अब अगर 2020 में, किस में आ गए आप? 2020 में, और 2020 का लेवल आप देख सोच सकते हो कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचें कोई सब्जेक्ट हल्का है, आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया नंबर लाएं, मेहनत पर डिपेंड करें पूरा। लिखो अगला क्वेश्चन। पैंतालीस सौ के पाँच बट्टे नौ के 36% का 27% कितना होगा? 27% कितना होगा? 4500 के 5 बटे 9 के 36% का 27% कितना होगा? 243। बहुत बढ़िया। 4500 के 5 बटे 9 के 36% का 27% कितना होगा? 243। चल 243 कितने लोग आ गया? आपका ठीक। अभी बहुत लोग नहीं आए, ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा, समझ रहे ना। शुरुआत करते हैं इनसे परसेंटेज की, लोग बाग, ठीक है। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ये, देखो समझो बात को। 4500 का, तो पहले किया 4500 का 5/9, 36% बराबर कितना होगा? 9/25 हो जाएगा। 36% बराबर कितना होगा? 9/25। उधर नहीं, उधर 4×9=36 और 25 बार जाएगा ये, और 27% को मर करो, 27% इसलिए लिख लेते हो कि दो जीरो से क्या हो जाएंगे, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5×5=25 और 5 से काट दोगे 5×5=25, 27 × 2=243 आपका आंसर हो गया। हो गया क्वेश्चन, फिर 36% लिखोगे, फिर इसको काटोगे, फिर दिमाग लगाओगे। अब दिमाग में फ्रैक्शन का यूज करें, ठीक है। तो कितना होता है? 9/25, 27/100 क्यों लिख लिया? क्योंकि 3 से कटेगा तो पॉइंट में आएगा, तो इससे अच्छा 27/100 लिख दो। 100 से क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल, बचेगा खत्म। ये 9 से काट दो, या 9 से 9 कैंसिल कर दो, 5 से इसको काटो, 5×5=25, 27 कितने होते हैं? 27 कितने होते हैं? 270। 27 माइनस कर दो उसमें से, कितना हो गया? क्वेश्चन सॉल्व। इतना दिमाग मर नहीं, आप इतनी कर रहे हो, अभी मुझे पता है कि आप इतना कर रहे हो, 27 कर रहे हो, आप सॉल्व भी कर रहे हो, और आप सॉल्व भी करोगे तो आपको ऑप्शन में 3 वाला डिजिट जो लगेगा वो आपका आंसर होगा, 9/63। आपको ऑप्शन दिखाएगा 3 और क्या जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट देख लिया फर्स्ट वाला। अब बढ़िया क्वेश्चन, कितने लोग आंसर देते हैं इसका? चलो सिंपल ही क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा है, लेकिन आंसर कितने लोग दे पाते हैं? लिखो, 1000 रुपये के 25%, 1000 रुपये के 25% के, 1000 रुपये के 25% के 1% का 1% कितना होगा? 1000 रुपये के 25% के 1% का 1% कितना होगा? ऑप्शन देता हूँ आपको, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है आपका 0.025, आपका है 00025, और एक ऑप्शन दिया है आपको, एक ऑप्शन दिया आपको 0.025। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
ए वाला, कितने लोगों का आंसर ए है, हाथ खड़े करें। ए वाला आपका आंसर है, ए वाला आपका आंसर है। कितने लोगों का डी वाला आंसर है? ऑप्शन सब देखो, चेंज देखो, एक एक पॉइंट का अंतर है। फर्स्ट वाला है, ठीक है। देखो 1000 के 25%, तो 1000 का 25% लिख लो सीधा, क्योंकि डबल जीरो है ना नीचे, ठीक है। 1% तो 1% कर दो यहाँ पर, और 1% को यहाँ पर 1% कर दो, ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, एक जीरो है यहाँ, तो 1/40, और 1/40 को आप बदल लोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.02। ठीक है, कर दो ना 0.05, इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.05। अगर देखो आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको भी आप सॉल्व करोगे ऑप्शन से, तो 0.05 आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप देखो ऐसे कर सकते हो आप, पॉइंट आएंगे कितना हो जाएगा बताओ, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और 25 काट जाए खत्म, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/40 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा पुट कर रहा है, कौन सा पुट कर रहा है पहला, चेक कर सकते हैं ना आप, किसे जल्दीबाजी में गलती नहीं कर रहे हम, तो हमने ऑप्शन चेक कर लिए भाई, खत्म कौन सा रहे। 1/40 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इसके बराबर आ रही है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। कुछ लोग जल्दबाजी में कौन सा ऑप्शन लगा देते हैं वाला, या फिर ये लगा देंगे, बहुत हैं अपने यहाँ पर खिलाड़ी है कि नहीं। तो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, गेट लगा देना, ऑप्शन तो क्या मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलने वाले, लेकिन आप जल्दबाजी में, कुछ लोग नहीं आए क्वेश्चन, मुझे पता है इसका आंसर नहीं दे पाए बहुत से लोग, इसका आंसर नहीं दे पाए हैं बहुत से लोग, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट वाला जिसने दिया पड़ी है, मतलब उनको पता है कि इसका आंसर ही आएगा। हाँ, तो जीरो कर दो ऊपर सीधा, अगर 40 से डिवाइड करोगे तो 0 बार एक बार जाएगा, फिर 0 एक बार और आएगा, तभी तो 25 बार जाएगा। 25 कितना बार जाएगा ये, अगर इसको आप करेंगे सॉल्व, तो क्या करेंगे, एक का 40 से डिवाइड करेंगे, ये करेंगे तो एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक पॉइंट, फिर 0 लगो, तब जाके होगा ना, क्यों 3 जीरो नीचे, अरे 1000 बन जाएगा ना ये, फिर तो 40 कितने बार जाएगा, 1000 25 बार जाएगा, ठीक है, 25 चौके 100। चल अगला क्वेश्चन लिखें, मेरे बताने का मतलब ये था कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ना, जल्दबाजी ना करें, ऑप्शन से भी करें। लिखो, एक व्यक्ति अपने आय का 66 सही 2/3% 66 complete 2/3% 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, 1200 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या है? एक व्यक्ति 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? कितना हो जाएगी? 3600। खर्च कितने करता है? हाँ, खर्च कितना करेगा ये बताओ, खर्च वाला क्वेश्चन पूछे तो खर्च कितना कर लेगा? 1200 की वैल्यू 1200। हाँ, तो खर्च कितना करेगा? एक ही खर्च करेगा? नहीं, 1200 बच करेगा। हाँ, 2/3 है ना, देखो देखो मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाई भी शायद ये वाली फ्रैक्शन लिखवाई आपको, 66 सही 2/3% इसकी जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, और आपको मैंने आपको बताया तरीका होता है कि आप इससे सॉल्व करने नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और एक तरीका बता दूँगा, देखो ऐसे कभी फ्रैक्शन फंस जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हो गया 66 सही 2/3, और 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसकी कितनी होती है, 1/6, तो ये हो जाएगा 6, ये जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 4/6 मतलब 2/3 क्या हो गया, इसकी फ्रैक्शन निकल के आ गई,
ठीक है, तो 2/3 क्या हो गई आपकी फ्रैक्शन हो गई। ये कह रहा है कि अगर उसकी आय इनकम उसकी अगर अगर 3 है तो 2 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, 2 क्या कर रहा है खर्च, और बचा कितना रहोगा बताओ, 1, तो 1 ना बचा है कितना बचा रहा है क्वेश्चन में 1200, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 1200 के, पूछा है इनकम कितनी है तो 3 × 1200 कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा 3600, अगर पूछे खर्च कितना करता है तो 1200 × 2 उसमें कर देंगे कितना जाएगा 2400। ठीक है, ये तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाया इसलिए, तो फ्रैक्शन का यूज करें, आप फ्रैक्शन का यूज करें, आपको नहीं आते तब भी मैंने आपको निकालना बता दी कि निकाल कैसे, या तो बहुत से लोग क्या करेंगे 6 × 3 करेंगे 2 करेंगे तब जाके आपका आएगा, 6 × 3 कितना होता है 6 × 3 = 180, 198 200 × 3 इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 100 2/3, या मैं ऐसे कर सकता था। ठीक है, तो फ्रैक्शन को तोड़ना सीखें, ऐसे नहीं कि फ्रैक्शन को आप ऐसे 100 में तोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन को किसी में भी तोड़ सकते हैं, मैं चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 40% और कितना 26 का कुछ निकलते नहीं है, तो आप ऐसे कर लो इसको 30% 60 हो गया, और 6/2% कितना 1/15 होता है, ऐसे कर सकते हो, 30% कितना होता है 3/10 1/15, तब भी आपका आंसर 2/3 आएगा। ठीक है, तो आप कैसे ही फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं, मेरा बताने मतलब ये था क्वेश्चन से कि आप फ्रैक्शन में फंस ना जाएं, आप फ्रैक्शन को 100 से नहीं टूटता फ्रैक्शन, किसी से टूट सकता है, आप 50% तोड़ दो, आप 25% तोड़ दो, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, चल वैसे मैंने आपको लिखवाई फ्रैक्शन तो जो एग्जाम में यूज होती है, मैंने आप लिखवाई भी है आपको कि आपको कुछ नहीं करना, हाथ ही नहीं लाना, आप तुरंत आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि सी की आय बी से 20% अधिक है, यदि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, यदि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। आप क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ते जाएगा आपको क्वेश्चन का, है ना। यदि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय सी से 20% कितना 25% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, 50, ऑप्शन तो है 50 आई, 150, 50, 25, 35, कितना है 50%। आए 50%, कितने लोग आए 50%, आप करें 1, 2, 3, 4, बस कुछ तो दिमाग ही लगा दे, सोचते हैं कि सर ही बता दूँ, टेंशन फ्री है, हाँ है कि नहीं, क्या क्या पहले लाए रहने दो, लिख लीजिए क्वेश्चन, अब सर बताएंगे, दिमाग तो लगाओ, घर पे थोड़ी जाएंगे सर, कि एग्जाम में पहुँच जाऊँगा मैं आपके पास। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझना, पहले जब भी आपको एबीसी की बात हो जाए तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इस क्वेश्चन जो तरीका बता रहा हूँ इससे सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी बी से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। अगर देखो 20% की वैल्यू क्या होती बताओ, 1/5, अगर बी 5 है तो सी कितना होगा, 6 होगा, नहीं होगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो B है वो A से कितना परसेंट अधिक है, 25%, और 25% बराबर कितना होता है बताओ, 1/4, तो A जो 4 होगा तो B कितना होगा, 5 होगा, नहीं होगा, पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन, बता तो बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, तो जब मैंने बताया B की वैल्यू क्या हो समान हो तो आपको चेंज ही नहीं करना, तो ये रेशियो क्या निकल गया है 4, 5,
सिक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से तो कितना अधिक है, दो अधिक है किससे, ए से इंटू हंड्रेड, तो वन बाई टू हो गया, वन बाई टू बराबर कितना था 50%, क्या हो गया आपका आंसर, हो गया नहीं हो गया आंसर 50%। ऐसे जमाना है आपको, जो लोग 100 मान के कर रहे हैं उनका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर 100 से फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर वही रिएक्शन में लाना पड़ेगा, है ना, तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगा, एक और इसी कन्वर्ट में कर दोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। क्या देखो 2/4 बता, तो ये कह रहा है कि सी से ए कितना परसेंट अधिक है, तो सी से ए कितना अधिक है, कह दोगे सर कितना अधिक है, दो अधिक है, कितना अधिक है, दो, ठीक है, ये देखो चार और छः में कितना अधिक है, दो अधिक है, किससे, ए से, तो ए लगा देंगे कहाँ, नीचे इनटू 100, तो 1/2 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 1/2% कितना होता है, 50% नहीं होता, ठीक है, या काट दो 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार। मैं इसलिए बोलते रहता हूँ कि आपको याद हो जाए बार बार, 1/2 = 50%, मैं भी काट सकता हूँ 2 से 5 को इसमें, ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि 1/6 = 16 कम्पनी 2/3%, आपको भी याद हो जाए, जिससे मुझे याद रहती है ऐसे आपको याद हो जाए, आप फ्रैक्शन पर जितना अच्छा काम करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ये गारंटी मेरी, क्योंकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इस झटके में सॉल्व कर लोगे, तब आपके फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे अच्छे, अभी आपको फ्रैक्शन ही निकालना पड़ रहा है तो आप बहुत पीछे हो, समझना बात को, फ्रैक्शन को एकदम ऐसे दिमाग में बैठा लो, आप पढ़ते हो तो चिपका दो दीवार पे, लेकिन चिपका उनको चिपका ही मत देना, समझ रहे, पढ़ते भी रहना उनको कि अपन निकलते हैं देखते रहें, चाय वाय पीते हो नहीं पीते हो खड़े हो गए, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, बोर्ड पर चिपका रहते दीवारों पर, तो चाय वाय पीते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं खड़े खड़े, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, वो रेस्ट लेते हैं तब भी पढ़ते रहते हैं, मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया कैसे पढ़ना है आपको, वो फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, मैंने एक दिन बताया था आपको कि ऐसे पढ़ा करो आप, तो आपका जो टाइम होगा टाइम होगा और आपकी क्या होगी एनर्जी पावर हमेशा वो रहेगी, सिटिंग में एकदम मत पढ़ाओ, मैंने ये बोला कि आप जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोग नहीं दे पाए टाइम, वो 1 घंटे 8 घंटे ना पढ़े, सीधे 1 घंटे 4 घंटे की सिटिंग बना लो, आप धीरे धीरे सिटिंग बनाएं, कभी भी पहले 1 घंटे की बनाएं, फिर धीरे 1.5 घंटा करें, एकदम 4 घंटे ना बनाएं, नहीं बना नहीं पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे जीवन में, आप पहले 1 घंटे की बनाएं, हैबिट डालने पहले, फिर 1.5 घंटे की, फिर 2, धीरे धीरे बढ़ाते जाए ऐसे, नहीं एकदम आप 4 घंटे पढ़ लो, मैंने बोला था फिर आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे, पता है ना, एक दिन आप 4 घंटे पढ़ लोगे फिर आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे, मुझे गारंटी ले लो, क्योंकि एक दिन पढ़ के आप बोर हो जाओगे, और आप 1 घंटे पढ़ोगे ना एक दिन और ऐसे हैबिट बनाओगे तो आप बिल्कुल प्रोग्रेस हो जाओगे, 1 महीने में आपकी खुद की सेटिंग बन जाएगी और आप खुद कहने लगोगे सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बाहर घूमने में, आप खुद मज़ा नहीं आएगा बाहर घूमने में, अभी आपको अच्छा लगता है बाहर घूमने में, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको खुद मज़ा नहीं आएगा बाहर घूमने में, आप लोग टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ यार फालतू किताब पढ़ेंगे, खुद देखना आप 1 महीने बाद, इस चीज़ को फॉलो करना हमेशा, ठीक है, तो आपको याद भी बहुत अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। लिखो, ऐसे नहीं जो मैथ्स पढ़ा रहा है तो भाई उसको वो सीधा ऊपर से लेके आया था ज्ञान, ऊपर से याद है क्या भाई, जो पढ़ा रहा है तो उसने पढ़ा होगा, पहले मेहनत की होगी उसने अच्छे तरीके से, तो उसकी मेहनत के बराबर आप भी मेहनत करोगे आप भी पढ़ा पाओगे अच्छे तरीके से, अच्छी जॉब लगा पाओगे, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, 510 लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, और स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं और स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, ग्यारह सौ नब्बे गर्ल्स,
ग्यारह सौ नब्बे कितनी नहीं गर्ल्स और स्कूल में लड़का लड़की रहेगी तो मज़े नहीं आएगा। मेरे पापा ने जरूर मुझे एक बार डाल दिया था बॉयज़ स्कूल में टेंथ क्लास में, तो उस समय बॉयज़ ही बॉयज़ थे सारे, तो वो स्कूल जाने की मज़े नहीं करे, बैठे रहो उसके टेबल पे बस बेंच पे, क्या वो लड़का वो गुम कर रहा है कोई मतलब नहीं रहता, मतलब क्या होता है एक एक इमेज नहीं रहती लड़कों के सामने, क्या इमेज दिखाना कुछ इमेज दिखाओगे कुछ इज्जत रखोगे, तो ऐसे लड़कियों का हाल होता है। हमारे ग्वालियर में एक कॉलेज है, ग्वालियर फेमस कॉलेज है लड़कियों का, KRG कॉलेज, कभी आप नाम सुने हो, कमला राजा कॉलेज सुने, कमला राजा हमें फेमस है वो कम्बू पर, तो वो उसमें पूरी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ भले ही अंदर रहती हैं लेकिन लड़कों की लाइन पूरे बाहर खड़ी रहती है, सबसे फेमस कॉलेज है वो हमारे यहाँ का, ठीक है हाँ वहीं पर जाते हैं भाई जितने भी हैं, और वहाँ खतरन लड़कियाँ भी बहुत खतरनाक हैं, तुम जैसे गवा में घुमा देंगी वो 50,000, ठीक है ना, ग्वालियर को भी जाके देखना आप। एक टाइम अपना भी था है? जब पढ़ते थे कॉलेज में सब तब की बात है। चल देखो अब इस क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कॉलेज की या स्कूल की बात करें तो 100% होता है, कोई भी चीज़ होती नहीं होती। अब इसमें कह रहा है कि 70% क्या है, गर्ल्स हैं भाई, तो 30% क्या हो गई, बहुत कम है भाई, ठीक है गर्ल्स 70% तो बॉयज़ कितने होंगे 30%, लेकिन 30% के बराबर क्या दिया आपको 510, तो 1% बराबर कितना जाएगा बताओ, 17 तीन से काट देंगे 0 17 तो 51, कितना 1% की वैल्यू कितनी आ गई 17। पूछा है कुल स्टूडेंट कितने हैं तो 100% की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से, तो 100% है 17 × 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1700, क्या हो गया आपका आंसर इसका। अगर आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि भाई बॉयज लड़की कितनी है तो आप कहते सर 1% की वैल्यू कितनी है 17, तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 7 = 119, मतलब 1190 आपका आंसर। तो गर्ल्स कितनी है 1190 है और 510 क्या है लड़के, तभी तो 1700 होंगे नहीं होंगे, और कर सकते हैं सिंपल इसको, ऐसा किया क्या आपने, चलो और देखो कैसे करें, ये बताओ कि 70% बराबर क्या होता है 7/10, अगर टोटल लड़के 10 और लड़कियां 10 हैं उसमें 7 क्या है लड़कियां हैं, तो 3 क्या होंगे लड़के, लेकिन ना 3 ना होके 510 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 170, तो 10 का इंटू कर दें कितना हो जाएगा 1700 आपका आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है तो इसमें पेन नहीं लाना पड़ेगी आपको, लाना पड़ेगी क्या कि आपको 40% निकालना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर पूछता कि भाई उसकी लड़कों की संख्या बताएं तो 170 दिया है 1 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी, वही देखो 1190 आ जाएगा नहीं आएगा। समझ में आ रहा भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? अभी अगला क्वेश्चन लिखें, आज तो टाइम का पता नहीं चला, 40 मिनट हो गए स्टार्ट लिख ले, ये तो स्टार्ट मैंने टाइम पे किया ना, ये तो चल रहा है टाइम से। यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, 60% एक विद्यालय में 60% छात्र क्या हैं लड़के हैं बॉयज हैं, और लड़कियों की संख्या 972 है, और लड़कियों की संख्या 972 है 972, लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं टोटल, लड़कों की संख्या टोटल नहीं पूछी, लड़कों की संख्या पूछी मैंने, कितना हो जाएगा 1458, 1228, 1458, 1324, 1624, 1458 हो जाएगा 1458, एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में 60% बराबर क्या होता है बताओ 3/5, अगर 5 टोटल है उसमें से 3 क्या है बॉयज़ है,
तो दो क्या होंगी गर्ल्स, दो ना होगा कितनी है 972, तो दो की वैल्यू 972, तो एक की वैल्यू 2 × 8 2 486, एक की वैल्यू 486, क्या पूछा है आपसे बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 3, तो 486 इंटू 3 कर दोगे 6 × 18, जिसमें इकाई का अंक 8 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 6 × 18 हासिल आई 1 + 3 = 24 = 25 और 3 × 12 = 14 कितना आ गया 1458, ऐसे किया ऐसे किया कि फिर बेसिक किया पूरा ऐसे किया ना, बस ऐसे ही करना है आपको जल्दी से, ठीक है। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत, लिखो किसी संख्या के 60% में, ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे ऐसे एग्जाम में, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, किसी संख्या के 60% में से 60 माइनस करने पर परिणाम कितना, रिजल्ट कितना आता है 60 आता है, तो वह संख्या क्या है, कितनी 200, ऑप्शन तो है 150, 200, 120, 180, हो जाएगा। देखो किसी संख्या को या तो आप ऐसे कर सकते हो कि उस जब भी आप कह रहे 60%, तो 60% जैसे दिया तो 60% बराबर क्या होता है 3/5, तो इस संख्या को ऐसे मान लो, ये मान लो 5x, तब भी निकल जाएगा, या आप संख्या को क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं, संख्या x मान ली उसके 60% में मतलब 3/5, संख्या के 3/5 में से 60 घटाने पर रिजल्ट कितना आता है 60, यही है, ठीक है। अगर मैं इसको 5x ही मान लूँ तो 5x रखो तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ 3x/5 ये माइनस का इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 120, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 40 बार, और 40 पंचे क्या आ गया 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। या आप ऐसे कर सकते थे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो इस नीचे वाली संख्या को 5 क्या मान लें, ओरिजिनल संख्या मान लें, तो x मानते हैं तो इसको 5x मान लें, 5x में से कितना घटाने पर 3/5 में से कितना घटाने पर 60 घटाने पर कितना बचता है 60 बचता है, ठीक है, यही बचता है। तो आप कह सकते हो कि सर 5 में से 5 गया तो x 3x बराबर कितना 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, आपने संख्या क्या मानी थी 5x, तो 5x 40 इंटू 5 कर दें कितना हो जाएगा 200, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 200। x से भी कर सकते हैं, और एक संख्या क्या मान सकते हैं, रियल नंबर कुछ ही मान सकते हैं, यहाँ पर जो आपके नीचे दिया हुआ उसको ही मान लिया करो, आप क्रॉस हो जाता है उससे, उससे जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आपको एग्जाम में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, भरे पड़े हैं। तो एक काम करेंगे, संडे के दिन क्लास रहेगी, तो संडे के दिन जितने भी व्यापम में परसेंट के क्वेश्चन आए हैं वो करा दूंगा मैं आपको, ठीक है, सारे के सारे जितने आए हैं, 2 घंटे मैथ्स ही पढ़ेंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो 2 घंटे में जितने भी व्यापम के अभी तक 2008 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं स्पीड से पढ़ेंगे और जल्दी से ख़त्म करेंगे, किसके परसेंट, ठीक है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस हिसाब से पेपर आता है, किस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, किस हिसाब से पेपर आता है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने स्टार्ट किया है, जब तक संडे तक पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा और बढ़ जाएगा, कल वो क्लास रहेगी आपकी,
तो कल और पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छा हो जाएगा आपका। लिखो क्वेश्चन अगला। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन भी आते हैं बहुत एग्जाम में। गलत गलत। दो संख्या तीन संख्या से क्रमशः 25% 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? गलत। 93 हाँ 3/4 बोल सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं या उसको बोल सकते हैं 93। ठीक है 93 वाला ऑप्शन आपको सही जाएगा, टेंशन मत लो आप, इतना घबराना नहीं है आपको। 83 3.4 3/4 92 4/5 है और आपका 93 3/4 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है देख सकते हो आप। देखो क्वेश्चन समझो, तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः कितनी संख्या है? कम है 25% और ये। अब हमें से याद है क्रमशः की बात हो जब तो ये तो आपकी 100 होगी तो ये 25% कम है तो ये कितना होगा 25 और ये 20% कम है कितना हो जाएगी 80। तो पहली संख्या क्या होगी 75, दूसरी संख्या क्या होगी 80 और तीसरी क्या होगी 100। इससे कितना कम है? ये 25% कम है, ये कितना कम है 80 है कि नहीं 100 मानने से। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो आप कह दो सर 20 × 80 20 × 5 = 100 75 × 5 कितना होता है बताओ 325 और 325 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 नाम कितना 4×8 = 32 325 होगा 375 होगा सॉरी कितना होगा 375 तो 4 नाम 36 मतलब 13 में पॉइंट वही आएगा 3/4% कितना हो जाएगा 4 नाम 36 आ रहा ना तो 13 में पॉइंट 3/4%। ठीक है ये क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। लिखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं लिखो, बोलते मन से बोलता हूँ ऐसे लिखो। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दी जाए। समझ ली पहले, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी?
एक परसेंट क्या होगी, कमी होगी। तो उसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता, नहीं होता? तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। कह रहा है आयत की लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि हो जाए? 20% की। तो देखो आप क्या कर सकते, बहुत तरीके होते हैं। जब आपको ट्रिक मालूम होगी तो ट्रिक का यूज कर देना, पढ़े हो वही आप लगा रहे हो, अभी लगा रहे लगा रहे हो। आपने देखा कि 10% की वृद्धि है और 10% ही क्या है, कमी है। तो जब समान वृद्धि और समान कमी होती है तो 10 का स्क्वायर कर देते हो आप, क्या कर देते हो, 10 का स्क्वायर बटे 100। ये करते हो नहीं करते हो? तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100/100, मतलब कितनी बार जाएगा, 1। और हमेशा क्या होती है, कमी होती है। जब कभी इंक्रीज हो रहा और डिक्रीज होगा, बराबर हो रहा होगा, तो हमेशा क्या होगा, कमी होगी। तो 1% ही क्या हो गई, कमी। देखो ऐसे भी कर सकते थे। फिर आपको एक तरीका बताऊँ सिंपल सा, कि आपने आयत की लंबाई 100 मान ली, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसमें 10% ही क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से, तो 11 9 99, ये कितना कम है 100 से, ये कम है, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, बताओ कितने कमी हो गई, 1 की। ये तरीका था, ये तरीका था कि नहीं, ठीक है। इससे किया था आपने कि इस ट्रिक से किया था, इस तरीके किया आपने। अब देखो एक तरीका और है, देखो नहीं, वो ट्रिक रटने वाले काम है वो, देखो हाँ वो ए प्लस बी बता रहा हूँ ना, आप ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे, ये करते हो ना आप इनटू बी, ये बहुत नहीं तरीका, वो नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेकार है वो, कोई मतलब नहीं है। देखो आपको तरीका बताता हूँ, ये तो 10% है, ये 10% है, अगर 20% की बात कर दें और 20% ही कमी कर दें तो आंसर क्या होगा, 4%। क्या 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 100 इसके नीचे 400 मत लिखना, कितना जाएगा 100% ना, तो 2 0 से 2 0 कितना बचेगा, 4%। बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 4%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कर दूं, अगर ऐसा बोल दूं कि आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% ही कमी कर दिया, तब कर पाऊंगे क्वेश्चन, फ्रैक्शन से करोगे ना, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, मैं दूंगा भी बताना करके, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर ही लूँ, अब फिर बताऊंगा मैं आपको। जब आपको समान दिया होगा तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको प्रॉपर आपको परसेंट दिया होगा, 20% की वृद्धि 30% की कमी, तब आप किस पे कर देंगे, 100 पर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, फिर उसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। नहीं सोचे आप 20% की वृद्धि और 30% की कमी हो जाए तो आप स्क्वायर कर दें, जब समान होगा तब स्क्वायर लगेंगे। और एक तरीका आप सिखा रहा हूँ जो आप सब में यूज कर सकते हैं, लिखो एक क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में सोलह सही 2/3% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में चौदह सही 2/7% की कमी, हाँ चौड़ाई में 14 सही 2/7% की कमी, हाँ कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि कमी होगी। आयत की लंबाई में, उसकी लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि और चौड़ाई में 14 सही 2/7% की क्या होगी, कमी। कुछ नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। आगे किसी का देखो, अब समझना आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% क्या वृद्धि, तो बताओ 1/6, अगर उसकी लंबाई 6 थी कितनी हो गई, 7, 1 की वृद्धि हो गई ना। और उसकी चौड़ाई में कितने की कमी,
इतने की, तो एक बटे सात, तो उसकी चौड़ाई पहले सात थी, एक की कमी होगी कितना हो गया छः। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ भी 42 हो रहा होगा और यहाँ भी कितना हो रहा है 42, तो कैसे क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? जीरो बढ़ा किस पर? 42 पर। तो आंसर क्या होगा? 0% की वृद्धि और 0% क्या हो गई? कमी। ना तो कोई प्रभाव पड़ेगा, ना क्या होगा, वृद्धि होगी ना फिर कमी होगी। बात समझ में आया? समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता कि सर यहाँ पर मैं ले लेता 20%, चलो तो अब बताओ आंसर, कमी कमी कर देता 20% की, तो आप क्या करते बताओ इसका आंसर? क्या कितने परसेंट की? 4% 6 सही 2/3 चलो ठीक। इसकी फ्रैक्शन देखो, अब इसको आप कर दूं, देखो इसकी फ्रैक्शन कितनी थी 1/6, तो ये 6 से कितना हो गया 7, और ये कितना था 5 से कितना हो गया 4, क्लियर। तो पहले उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी 30 थी, अब लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई उसकी 28 हो गई। तो पहले उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी 30 थी, उसको वृद्धि कमी करी तो क्या हो गया 28 हो गई। कितने ही कमी हो गई सर? कमी हो गई ना, कितने ही कमी हो गई? 2 की कमी हो गई किस पर? 30 पर इंटू 100। अब 0 से 0, तो 20/3 बराबर कितना होता 6 सही 2/3% की क्या हो गई? कमी हो गई। ये आपका ऑप्शन, बात समझ में आई? अभी 100 से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी इसमें, ठीक है। अभी आपको जिससे मैंने 20% वाला सिखाया था ना कि 20% की वृद्धि हो जाए और 20% क्या हो जाए? कमी। तो देखो समझ लो, 1/5 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? तो 5 से कितना हो जाएगी 6, और ये 5 से कितना हो जाएगा 4। तो पहले 25 था, कितना हो गया 24, कमी हो गई ना। कितनी कमी हो गई? 1 की किस पर? 25 पर इंटू 100। तो 25 × 100 कितना आ गया 4% ही क्या हो गई? कमी। यही निकल के आ रहा था, नहीं आ रहा था बताओ? आ रहा था ना। तो स्क्वायर जब बराबर होगा तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देना। अगर आपको कुछ नहीं सीखे तो आप ये तरीका आपको आना चाहिए, संपर्क कर सकते हैं इससे, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो परसेंटेज फ्रैक्शन का कितना यूज है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसलिए ये काम में आई है। अभी क्वेश्चन के परसेंटेज बहुत क्वेश्चन रहेगा, अभी करेंगे, आज तो दूसरी क्लास है, अच्छे तरीके पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। चलो ख़त्म करें आज के लिए क्लास इतना, चलो ठीक है।